देहरादून जिले से एक बड़ी हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में तैनात चौकी इंचार्ज के 4 साल के बेटे को एक अज्ञात कार ने कुचल दिया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार की नंबर प्लेट देख मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार देहरादून तनुवाला निवासी हर्रावाला चौकी इंचार्ज रमन बिष्ट अपनी पत्नी और 4 वर्षीय बेटे को छोड़ने अपने ससुराल जा रहे थे। बता दें कि रमन सड़क किनारे अपनी कार खड़ी कर पत्नी के साथ दुकान से सामान लेने के लिए उतरे और उन्होंने अपने बेटे को कार में ही बैठे रहने के लिए कहा, लेकिन रमन के 4 वर्षीय बेटे श्रियांश ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे कुचल कर भाग गई। बताते चलें कि जब रमन ने अपने बेटे को सड़क पर अचेत पड़ा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में बेटे को पास में स्थित अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे के मौत के बाद से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे पुलिस विभाग में भी शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चालक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जांच में पता चला है कि कार एक होटल संचालक के नाम पर दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को जल्दी थाने पहुंचने को कहा है। मामले को लेकर सीओ का कहना है कि आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।